आदरणीय भक्तों, सनातन प्रेमियों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। देखिए बंधु, आज हम हैं ग्वालिया बाबा गौशाला मनसारामपुरा निवारू झोटवाड़ा पर, और आज आदरणीय श्री सुखराम जी काला, जो वर्तमान निवासी महेश नगर और गांव है इनका मांझवास नागौर, तो यहां पर आज आए हैं गौ सेवा के लिए। आज चंद्र ग्रहण भी है और आज पूर्णिमा का दिवस भी है, तो ये गौ सेवा के लिए आए। आइए आप भी कीजिए गौ सेवा ग्वालिया बाबा मनसारामपुरा झोटवाड़ा निवारू जयपुर पर। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे। आज ये गौ माता की सेवा के लिए आप पधारे, आपका हार्दिक अभिनंदन है। ये देखिए ग्वालिया बाबा गौशाला, जहाँ पर गुरुदेव आचार्य नर्मदा शंकर जी के सानिध्य में हम यहाँ पर बहुत बार आए हैं, बहुत सेवा करते हैं। आज यहाँ पे पधारे, आपका भी स्वागत है। कीजिए गौ माता के दर्शन और गौ माता की सेवा। ये देखिए ग्वालिया बाबा गौशाला, और यहाँ पर लगभग 250 गाय, बछड़े और नंदी है। और ये काला साहब यहाँ पे पधारे, श्री सुखराम जी काला, सेवानिवृत्त DFO, जो वर्तमान में रहते हैं महेश नगर, और इनका गांव है बलाया नागौर है। और ये देखिए गौ सेवा के लिए आज, जय गौ माता, जय जय माता। आज बहुत सारा गुड़ लेकर के आए हैं गौ माता को खिलाने के लिए। और ये देखिए गौ दर्शन, जय गौ माता। ये देखिए गौ माता को गुड़ खिलाते हुए। ये ग्वालिया बाबा गौशाला है मनसारामपुरा निवारू झोटवाड़ा पर। जैसा कि हमने बताया, यहाँ पर 250-300 गाय हैं। जय गौ माता, जय जय माता, जय राष्ट्र माता। ये देखिए भक्तों को आते ही गौ माता नज़दीक आ जाती हैं, और इनको पता है कि आज हमारे लिए कुछ न कुछ लेकर के आए हैं, क्योंकि यहाँ पर आचार्य नर्मदा शंकर गुरु जी और राहत आदि शक्ति फाउंडेशन के फाउंडर श्री संदीप जी पारिक के साथ में पूरे गौ भक्त यहाँ पर आते हैं। और ये देखिए गौ माता, रोटी और इसके साथ में ये गुड़, बहुतायत में लेकर के आए हैं आज लगभग 30 किलो गुड़। जय गौ माता, जय जय माता, जय गौ माता, जय गौ। गौ सेवा परम सेवा, भारतीय सनातन की पहचान गौ माता। ये देखिए यहाँ पे नंदी भी हैं। ये देखिए छोटे छोटे बछड़े यहाँ पे। जय गौ माता। देखिए गायें अपने आप आ जा रही हैं, और ये देखिए गुड़ का रसास्वादन करते हुए। आज दिनांक 8 नवंबर 2022, आज चंद्र ग्रहण भी है। चंद्र ग्रहण का सूतक प्रातः लग चुका है। ग्रहण होता है उससे 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है। ये देखिए यहाँ पर बहुत सारी गायें हैं। आप भी गौ सेवा कीजिए, जहाँ भी मिल जाए आपको गौ सेवा परम सेवा। जय गौ माता, जय जय माता। लो, जय गौ माता। बहुत सुंदर व्यवस्था ये है यहाँ पर ग्वालिया बाबा गौशाला मनसारामपुरा में। ये देखिए, ये यहाँ का सुंदर नज़ारा देखिए आप। यहाँ पे जगह ठाण बने हुए हैं, और गौ माताएँ इधर भी आकर के जैसे उनको चारा डालते हैं तो आ जाती हैं। जय गौ माता। देखिए छोटा सा बछड़ा दूध पी रहा है। ये देखिए छोटे छोटे बाल गोपाल भी सेवा करने के लिए आए हैं, गौ माता पे हाथ फिरा रहे हैं। जय गौ माता, जय गौ माता। जय गौ माता, जय जय माता।
बिहारी का मुंड मोटो होना चाहिए। वो एकदम से ठान के ऊपर बड़ी दूर से भकर के आते हैं तो किसी के लगने का डर रहता है, तो इसलिए जालियां लगा दी कि इसके अंदर से भगता करके। ये देखो आप गौ सेवा करते हैं सुखराम जी काला। ये बाबा पशुपतिनाथ मंदिर माझवास के भी परम भक्त हैं। आओ आओ माता, जय जय माता, जय राष्ट्र माता। बंधु अभी कुछ समय पहले लंपी रोग आया था, उसके लिए बहुत ही प्रयत्न किया हमारे राजस्थान में, बहुत यहाँ पर सीकर में पंडित मनोज पारिक वैदिक द्वारा हर जगह दवाइयाँ पहुँचाई गई थी और गौ माता स्वस्थ ही उससे। ऊपर करके जय गो माता, जय जय माता। ये देखिए दूसरी तरफ भी बाड़ा है, वहां पर ये गुड़ ले जाके उधर भी डाल के आएंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ये देखिए बहुत सारी गायें यहाँ ग्वाले बाबा मनसा रामपुरा निवर रोड झोटवाड़ा पर, ये ग्वाले बाबा गौशाला जहाँ पर देखिए आज डीएफओ साहब श्री सुखराम जी काला गुड़ और उसके साथ में रोटियाँ खिलाते हुए, आज चंद्र ग्रहण भी है। जी हाँ बंधु, तो देखिए आज सुखराम जी काला साहब ने यहाँ पर गौ सेवा की और ये गोपालक हैं यहाँ इसे गौशाला में। कैलाश जी, कैलाश जी यहाँ पर बंधु जन आते रहते हैं सेवा के लिए। कैलाश जी आपका गांव कौन सा है? मनसा रामपुरा यहाँ पास के रहने वाले हैं। आदरणीय काला साहब, ये आपके मानस में कैसे आया कि भाई गायों की सेवा करें आज के दिन? ऐसा है कि गायों की सेवा अक्सर करते रहते हैं, आज वैसे भी चंद्र ग्रहण था और चंद्रग्रहण है था तो क्या अभी चल रहा है सूत्र, तो मन में इच्छा हुई कि चलो कहीं जाके और गायों को गुड़ खिलाया जाए। इसके लिए हमारे मित्र हैं जवान भाई पूरनमल जी, उनसे पारिक साहब से हमने संपर्क किया और संपर्क करके और कहा कि भाई गायों को गुड़ खिलाने की इच्छा हो रही है, कहाँ खिलाया जाए। तो इन्होंने ग्वाला बाबा की गौशाला में हमें कहा कि आप यहाँ आ जाइए और इन्होंने हमारे साथ आके और हमें गुड़ खिलाने में सहयोग किया। यहाँ की गौशाला बहुत ही अच्छी है, यहाँ की गायें बहुत ही स्वस्थ है और यहाँ का जो गौशाला का मैनेजमेंट है वो देखते ही बनता है। यहाँ की साफ सफाई, यहाँ की गायें, यहाँ के जो बछड़े हैं जो गायों को दूध पीते हुए हमने देखा, हमारा मन गदगद हो गया। जी मैं आपको काला साहब बता दूं कि यहाँ पर जो रुग्ण गायें होती हैं, जो बीमार गायें होती हैं, उनके लिए डॉक्टर की भी अलग से व्यवस्था की गई है। हम आचार्य नर्मदा शंकर जी गुरु जी और राहत आदि शक्ति फाउंडेशन के फाउंडर श्री संदीप पारी जी के साथ में अक्सर रविवार को यहाँ पर गौ सेवा के लिए आते हैं और हमारा गौ सेवा परिवार, गौ भक्ति परिवार एक जयपुर का बना हुआ है। आप यहाँ पर पधारे और आज आपने गौ सेवा की, इसके लिए आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और जैसा कि मैंने बताया कि आप हैं बाबा पशुपतिनाथ मंदिर माझवास के परम भक्त हैं और वहाँ पर भी अपनी सेवाएं देते हैं, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गो माता, जय गो माता, जय गो माता।
आपसे भी निवेदन है कि जहाँ भी आपको गौ माता दिख जाए, गौ माता की सेवा कीजिए। गौ सेवा परम सेवा, हमारे सनातन की पहचान गौ माता, राष्ट्र माता। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज अत्यंत खुशी हुआ है मुझे। बिल्कुल जी, आपने काम ही ऐसा किया है, धन्यवाद।